अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड 2015 में लेसन नंबर 147। और आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे एक राउंड टेबल के ऊपर, देखेंगे कि 3D राउंड टेबल हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कमांड, और इसमें स्वीप कमांड, रिवॉल्व कमांड की मदद से हम कैसे काम करते हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और मटेरियल कैसे अप्लाई करेंगे टेबल के ऊपर इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑटोकैड को ओपन करता हूँ, आपको बताता चलूँ जो हमने ड्राइंग ड्रॉ करनी है। तो इस तरह की हमने एक शेप ड्रॉ करनी है, देखें ऐसी शेप ड्रॉ करेंगे, और ये मटेरियल, और मैंने मटेरियल अप्लाई किया हुआ, ये देखें इस तरह की शेप हमने ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ, न्यू ड्राइंग, ओके। अब मैं यहाँ पे एक टॉप व्यू में काम करूँगा, तो मैं एक पॉलीगन लेता हूँ, POL इंटर करता हूँ, नंबर ऑफ साइड्स 8 देता हूँ, क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको जो साइज़ दूंगा वो मैं देता हूँ 2, ओके। लाइन लेता हूँ, L इंटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ओके। टॉप व्यू में जाता हूँ, यहाँ से राइट व्यू में जाता हूँ, और यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा, एल एंटर, और इसके मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करूँगा तो इसको मैं दूंगा, F8 प्रेस करता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए, और इसे मैं देता हूँ 21 एंटर। एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर, यहाँ से, और इससे मैं डिस्टेंस देता हूँ 8 एंटर, और 8 के बाद मैं इसको जो डिस्टेंस दूंगा जेड स्पेस ए स्पेस, यस, पूरी लाइन लेता हूँ, PL इंटर 2 का डिस्टेंस दिया मैंने, और यहाँ पे आर्क देता हूँ, अब A इंटर, डायरेक्शन के लिए D इंटर, F8 प्रेस करता हूँ डायरेक्शन चेंज करने के लिए, लाइन एल इंटर, F8 स्ट्रेट लाइन के लिए, ओके। ये कुछ हमारे पास शेप ड्रॉ हुई है, अब इसमें थोड़ा सा इसे चेंजिंग लाऊंगा यहाँ से, ओके, यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। और अब मैं यहाँ पे काम करूँगा, लाइन ड्रॉ करूँगा इसे, एल इंटर 5 की यहाँ से, ओके, और यहाँ से मैं आर्क ड्रॉ करूँगा, ए इंटर, F8 प्रेस करता हूँ, फिर यहाँ से एक और आर्क, के एंटर, सॉरी ए एंटर, यस सही है, और यहाँ से फिर आर्क लूँगा। अब यहाँ पे ये जो इसको ख़त्म किया था कि इस तरह का ये मतलब ज्वाइंट नहीं आना चाहिए, ए एंटर, फिर ए एंटर, ज्वाइंट नहीं आना चाहिए, ये सब सही है, ये सब सही है, ओके। लेकिन ये बहुत छोटे हैं, मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, और इसको उठा के यहाँ से ऊपर लेता हूँ, अब सही है।
अब जो काम करना है वो क्या है कि आप यहाँ से एक और आर्क लें एंटर, यहाँ से यहाँ तक, ओके एक और आर्क लें एंटर, बल्कि यहाँ भी जो आर्क लेंगे वो यहाँ से वो टॉप से लेते हैं एंटर, फिर आर्क एंटर, यस यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ और इसको मैं अब ज्वाइन करता हूँ, थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ, इसको यहाँ से मूव करता हूँ, ओके यहाँ तक ये सही है। हाँ इसको थोड़ा सा यहाँ से मूव करता हूँ नीचे और इसको भी यहाँ से थोड़ा सा मूव करता हूँ कंट्रोल सेट ज्वाइन जेंटर, ट्रिम यूज़ करें यहाँ पे कमांड, ट्रिम कमांड यूज़ करता हूँ टी आर डबल इंटर, इसे ट्रिम कर दिया मैंने और यहाँ से इसको मूव करता हूँ यहाँ से टॉप में, इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, इसकी शेप थोड़ा सा बनानी मुश्किल है और आगे आसान है। काट लूंगा यहाँ से, एंटर, ये सब सही है। अब सही है, ओके यहाँ तक ये सारा काम कंप्लीट किया। ये काम कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे इसको मूव करके यहाँ पे लें, ओके और यहाँ तक ये सारा काम हो गया। अब यहाँ पे एक काम करना है आपने, लाइन लें एल इंटर, बल्कि एक काम करें पहले आप यहाँ से दोबारा जो है तो थोड़ा सा इसे मूव करें, ओके मूव करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको ट्रिम करें टी आर डबल इंटर, इसे ज्वाइन करें जे इंटर, इसको मूव करें एम इंटर, मिड पॉइंट में, ओके और इसको यहाँ से डिलीट कर दें, इसको भी मूव करें एम इंटर, ज्वाइन करता हूँ जे इंटर, एम इंटर, ओके
ओके यहाँ से मूव करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे? मूव करें एम एंटर, इस कॉर्नर में मूव करें। प्रेस पुल कमांड यूज करें। कंट्रोल जेड। हम इसे 3D वायर फ्रेम में जाके देखता हूँ ज़रा ये है कैसा है। देखें इस तरह का ही शेप बनी हुई है, आप देखें तो ये इस तरह की शेप बनी हुई है। तो इसको बाउंड्री दें, आप पहले बाउंड्री दें इसको, बी ओ एंटर पिक पॉइंट, उसको यहाँ से बाउंड्री दें। राइट फ्रेम में आता हूँ, व्यू एंटर, अब ये काम करेगा आई थिंक। ओके यहाँ तक ये काम तो मैंने कर लिया। चलें अब यहाँ से आपने क्या करना है, एक लाइन लेनी है एल एंटर, और ये लाइन में देता हूँ इसको जी तकरीबन, यहाँ से मूव करता हूँ F8। थर्टी बल्कि इसे 10, 12 एंटर करता हूँ, ज़रा 12 नहीं इसे देता हूँ जी एल एंटर 30। और यहाँ पे ऊपर से मैं करता हूँ जी यहाँ से 2 एल इंटर 0.3 0.2 0.3 एंड 0.2 ओके। 0.2 के बाद यहाँ से जोड़ देता हूँ जी, ओके एल इंटर 0.2। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर 0.5 एंटर, गोल सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर, थोड़ा सा फासले पे ट्रिम, TR डबल एंटर, ओके यहाँ तक ही कंप्लीट हो, और बल्कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल जेड, इसको यहाँ से ना ख़त्म करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ CP, यहाँ तक ट्रिम, TR डबल एंटर, ओके ये काम हुआ। अब जो काम करने वो क्या है जी, आप यहाँ से इसको रिवॉल्व करें, REV एंटर, इस कॉर्नर से यहाँ तक 360, ओके
और फिर यहाँ से अपने काम जो करने हैं वो क्या करने हैं। इसको भी रिवॉल्व करें, REV एंटर। ओके, शेफ को प्रेस करके इसको थोड़ा मूव कर दो यहाँ तक। प्रेस पुल कमांड यूज करते हैं यहाँ पे। एम एंटर। इसे प्रेस पुल कमांड भी काम करी क्योंकि मैंने बाउंड्री जो की थी ये वो ही है, तो मूव करता हूँ इसको। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाए आपका ऑब्जेक्ट। अब इसको आपने क्या करना है, अपने और भी काम करने हैं। वो क्या क्या काम करने हैं, आप एक तो यहाँ से इसको प्रेस पुल करें यहाँ से, और यहाँ तक मैंने कितना दिया था, 5 7 था, आई थिंक 7 था, सॉरी 8 8 था। यहाँ से इसको प्रेस पुल करें 8 के फर्स्ट क्लिप है। ओके यहाँ पे थे, ओके जी ये जुड़ गया। और अब आप यहाँ से जो कमांड आपने यूज़ करनी है कौन सी करनी है, यहाँ से आप टॉप व्यू में, टॉप व्यू में आने के बाद आप यहाँ पे एरे कमांड यूज़ करें, ए आर एंटर। इसको सिलेक्ट करें, स्पेस पोलर एरे, और कहाँ से, जिसके मिड पॉइंट से, नंबर ऑफ एरे कितने, 8 नहीं आप करें 4। अब देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं, कंप्लीट हो गया जी। अब इसको यहाँ से एरिया इलास्टिक व्यू में जाके देखें। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, देखें। ओके, मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, इनको आप डिलीट करें। ओके, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अब मटेरियल ऐड करने, तो मटेरियल के लिए आप क्या करें, यहाँ पे आप विजुलाइज पे क्लिक करें, और यहाँ से आप ब्राउज मटेरियल, यहाँ से आप वुड मटेरियल सेलेक्ट करें, सबसे लास्ट में वुड, जो मटेरियल आपको अच्छा लगता है वो सेलेक्ट करें, अप्लाई कर दें। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर भी यही अप्लाई करता हूँ, नहीं यहाँ पे ये वाला अप्लाई करता हूँ, इसके ऊपर ये वाला अप्लाई करता हूँ। देखिए इसके बैक साइड पे अप्लाई करें मटेरियल, यहाँ कॉर्नर पर अप्लाई करें, यहाँ भी अप्लाई करें, आपकी मर्जी, आप जहाँ जहाँ अप्लाई करेंगे आपका मटेरियल अप्लाई हो जाएगा।
अब ये अप्लाई नहीं हो रहा, इसको एक्स करें, एक्सपोर्ट करें एक्स एंटर, इसको सिलेक्ट करके एक्स एंटर करें और अब यहाँ पे इसके भी मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे आपका जी कंप्लीट हुआ जी प्रोजेक्ट देख सकते हैं, राउंड टेबल भी कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।